नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिए जाने पर कांग्रेस नेता और सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अवमानना की ताकत का प्रयोग लोहार की हथौड़े की तरह किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि अवमानना की शक्ति का प्रयोग हथौड़े की तरह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों पर संविधान और कानून को बचाने का जिम्मा है वो दोनों की अवमानना करते हैं, तब कोर्ट असहाय क्यों हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मुद्दे दांव पर लगे हैं, इतिहास हमें खारिज करने के लिए कोर्ट का मूल्यांकन करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी से लेकर अब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में आए 10 मामलों में एक खास ट्रेंड देखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इन मामलों में उन्हीं याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने राहत दी है जिनकी याचिका का सरकारी वकील ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि दोनों ने एक ही लाइन पर बहस की। लेकिन 6 मामले ऐसे थे जहां राज्य यानी सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। ऐसे मामलों में कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इन 10 मामलों में अर्णब गोस्वामी और अमीश देवगन को राहत दी है, लेकिन विनोद दुआ, हर्ष मंदर और शर्जील इमाम को राहत नहीं दी है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा को सस्पेंड करने की मांग की है। ऐसा उन्होंने इस घटना के बाद कहा जिसमें कहा जा रहा है कि आयुष मंत्रालय के ट्रेनिंग सेशन में राजेश कोटेचा ने गैर हिंदी भाषी लोगों को सेशन छोड़ने के लिए कहा था। कनिमोझी ने कहा कि मंत्रालय के सचिव का ट्रेनिंग सेशन में ये कहना कि गैर हिंदी भाषी बाहर जा सकते हैं दिखाता है कि हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है, जो निंदनीय है और सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पूर्व वित्त सचिव और रिटायर्ड आईएएस अफसर राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस राजीव कुमार को अशोक लवासा की जगह पर लगाया गया है। लवासा ने एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद मंगलवार को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। राजीव कुमार लवासा के जाने के बाद 31 अगस्त को अपना प्रभार संभालेंगे। भारत ने 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा फैसला तब लिया गया है जब इस टेंडर के बोली धारकों में एक चीनी कंपनी CRRC का नाम सामने आया। इस चीनी कंपनी ने गुरुग्राम की एक कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI आज लगातार दूसरे दिन अभिनेता के स्टाफ से पूछताछ कर रही है। 10 सदस्यों की CBI टीम ने शुक्रवार को ही जाँच शुरू की है। पुलिस ने दिल्ली में बीती रात एक संदिग्ध ISIS आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उसके पास से IED विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो अकेले ही बड़ा हमला करने की तैयारी में था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया है। पंजाब के तरन तारण में 5 घुसपैठिए सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी BSF की 47 बटालियन ने 5 को मार गिराया। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी ऑपरेशन जारी है, एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि 2 साल से कम समय में दुनिया कोरोना वायरस से फैली महामारी से उबर जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रियसिस के मुताबिक 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना वायरस से फैली महामारी पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एक दिन में करीब 70,000 मामले आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29,75,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या करीब 56,000 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,97,000 के पार हैं। ICMR के मुताबिक भारत में एक दिन में 10,23,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिससे कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 3,44,00,000 से अधिक हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,28,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,97,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,57,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 56,21,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 1,75,000 से ज्यादा है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 35,32,000 से ज्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,13,000 से ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार की चुनाव प्रक्रिया पर कहा है कि इस बार के नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में कई हफ्ते महीने लग सकते हैं, हो सकता है कि नतीजे कभी पता ही ना चलें। राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि इस बार मेल इन बैलेट और पोस्टल वोटिंग की वजह से पोस्ट ऑफिसों और लोकल इलेक्शन बॉडी पर दबाव बढ़ गया है और इसके चलते सही नतीजे जानने में लंबा वक्त लग सकता है। बता दें, अमेरिका में मेल इन बैलेट और पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल पर बहस जारी है। इसके पक्ष और विरोध में कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। ट्रंप इसे मुश्किल प्रक्रिया बता रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि तुर्की ने काले सागर में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार ढूंढा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि तुर्की का लक्ष्य 2023 तक इसका इस्तेमाल करने का है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।